सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा को जो है व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और गुरु पूर्णिमा जो है आने वाली 24 जुलाई को दिन शनिवार को पड़ रही है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और पूर्णिमा तिथि माह में एक बार आती है और इस पूर्णिमा का जो है काफ़ी महत्व कहा गया है। इस दिन स्नान और दान का काफ़ी महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करता है उसे कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकता या नहीं करने जा सकता तो घर में ही नहाते समय गंगा जल अगर गिर ले उसके बाद उसे स्नान कर ले तो भी ठीक रहेगा। पूर्णिमा का व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और ये जो गुरु पूर्णिमा है इसका काफ़ी महत्व कहा गया है। कहते हैं कि इस दिन महर्षि द्वापरायन व्यास का जन्म हुआ था और इनका पूरा नाम वेद व्यास जी है। गुरु वेद व्यास ने ही पहली बार जो है मानव जाति के चारों वेदों को ज्ञान दिया था और इसलिए उन्हें प्रथम गुरु माना जाता है और इन्हीं के सम्मान में जो है इनके जन्म की तिथि आषाढ़ मासी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। इन्होंने ही सनातन धर्म के जो है चारों वेदों की व्याख्या की थी और श्रीमद् भागवत महाभारत मीमांसा ब्रह्मसूत्र के अलावा जो है 18 पुराणों का भी रचयिता इन्हें माना गया है। क्योंकि ये पूर्णिमा जो है गुरु से जुड़ी है और गुरु का पद जो है गोविंद से भी ऊंचा कहा गया है, गोविंद यानी भगवान। तो शास्त्रों में गुरु का पद जो है भगवान से बड़ा कहा गया है। इस दिन जो है अपने गुरु का विशेष पूजन करने का विधान भी कहा गया है और अपने गुरु से मंत्र दीक्षा लेने का सबसे उत्तम दिन भी कहा गया है। इस दिन जो है शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु की सेवा करें, गुरु से आशीर्वाद लें और गुरु से कोई मंत्र दीक्षा लें, क्योंकि गुरु ही वो व्यक्ति होता है जो आपके आपको जो है अंधकार से निकाल कर आपको ज्ञान के प्रकाश से लेके जाता है, जिसके कारण आपकी अज्ञानता समाप्त होती है और आप ज्ञान का प्रकाश देख पाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इस दिन अपने गुरु का आशीर्वाद लें, माता पिता और बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद लें। गुरु से मंत्र प्राप्त करने का भी ये सही दिन है इस दिन, क्योंकि जो पूर्णिमा का दिन है वो चंद्रमा का है। इस दिन चंद्रमा जो है वह पूर्ण आकार में होता है तो खासकर चंद्रमा के मंत्रों को जाप व्यक्ति को करना चाहिए। सुबह और शाम के समय जिन व्यक्ति की कुंडली में जो है चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है इस दिन यदि व्यक्ति चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें तो बहुत ही अच्छा है और शाम के समय चंद्रमा को जो है अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें और दान का भी बहुत महत्व कहा गया है। इस दिन दान दक्षिणा करने से भी जो है व्यक्ति का कार्य बनता है। पीपल के वृक्ष में इस दिन जड़ों पर जो है मीठा जल डालना चाहिए। पूर्णिमा तिथि जो है 23 जुलाई को सुबह 10:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी और इसकी जो समाप्ति है वो 24 जुलाई को सुबह 8:06 तक रहेगी। यानी कि गुरु पूर्णिमा का जो व्रत है वो 24 जुलाई को किया जाएगा और गुरु पूर्णिमा जो 24 जुलाई की मनाई जाएगी। इस दिन व्यक्ति को चाहिए कि वो जल्दी स्नान करके निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और व्रत का संकल्प लें, उसके बाद मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के जो है नाम का स्मरण करें, उनके मंत्रों का जाप करें और अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद प्राप्त करें और ख़ासकर माता पिता बड़े भाई बहन का भी आशीर्वाद लें और उसके बाद जो है पूजा पाठ करने के बाद जो है किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि करें, क्योंकि दान का काफ़ी महत्व पूर्णिमा के दिन कहा गया है और ये बहुत ही शुभ दिन है। माह में जो है पूर्णिमा एक ही बार आती है। इस दिन कोई व्यक्ति यदि पीड़ित चंद्रमा का उपाय करना चाहे तो कर सकता है, तो उसके कुंडली से जुड़ी जो समस्या होगी चंद्रमा को लेकर वो सभी समस्याएं जो है
समाप्त हो जाएगी। तो आज आप लोगों ने जाना गुरु पूर्णिमा के बारे में। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। इसके अलावा कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।